कुछ लोगों को कुदरत उन खूबियों से नवाजती है जो एक आम इंसान की समझ और सोच दोनों से परे होती है। वो खूबियां जो इंसान के जहन को हैरत में डाल देती हैं, वो खूबियां जो हमें सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि आखिर ये कैसे मुमकिन है। आज हम आपको ऐसे ही एक शख्स से रूबरू करवाएंगे जिसकी अनोखी प्रतिभा लोगों के लिए हैरत का विषय बनी हुई है। ये रिपोर्ट देखिए। कांच अगर मुझसे कोई खबवाए तो मैं दिन भर सारा दिन कांच खा सकता हूँ। कहते हैं तस्वीरें कभी झूठ नहीं बोलती और सच को प्रमाण की जरूरत नहीं होती, तो जो आपके सामने है यकीनन वो 100% सच है। इनसे मिलिए, ये है महोबा जिले के सुंगीरा गांव का रहने वाला घनसू प्रजापति। यूं तो घनसू पेशे से मजदूर है, लेकिन इनके भीतर कई ऐसी खूबियां हैं जो इन्हें आदमी की कतार से अलग पहचान दिलाती हैं। वो खूबियां जो इन्हें आम से अद्भुत और अविश्वसनीय बनाती हैं। जरा देखिए, जिस सहजता के साथ लोग गाजर खाते हैं उसी सहजता के साथ घनसू कांच खाते हैं। जिस चाव के साथ लोग फल खाते हैं उसी चाव के साथ घनसू ईंट खा रहे हैं। जिस सामान्यता के साथ लोग हवा पानी लेते हैं उसी सामान्यता के साथ घनसू आग को अपने भीतर समेट रहे हैं। जाहिर है ये घनसू के करतब और अनोखी कला को बयां करती ये तस्वीरें अविश्वसनीय भी हैं और हैरतअंगेज भी। दिलचस्प भी हैं और दिलेर भी। बहरहाल घनसू ने ये सब एक दिन में नहीं किया और सीखा सालों की मशक्कत के बाद उन्होंने अजब कारनामों का ये मुकाम हासिल कर लिया। ने अपने दिमाग से बनाई हैं ये सारी और ये सब मेरे पास है जो भक्ति जंगलों में मैंने इसको सीखा है। मैंने किसी से किसी में ना कोई मेरा गुरु है कोई नहीं है, लेकिन मैंने मेरे पास कुछ ऐसी माँ की वो देन है। कोई दिन भर आगे खबवा यदि तो मैं दिन भर आग खा सकता हूँ बैठ के, और कांच अगर मुझसे कोई खबवाए तो मैं दिन भर सारा दिन कांच खा सकता हूँ। इतनी होता है, ऐसी कृपा है। घनसू को करीब से जानने वाले उनके गांव के लोगों का भी मानना है कि घनसू अनोखी प्रतिभा के धनी है और अनोखे कर्तव्य करते हैं। की कला खाते हैं, कांच भी खाते हैं, आग भी खाते हैं और रस्सी को भी सीधी खाते हैं और बहुत सारी कला है। ये जंगल जाते रहे, काम भी खाते रहे तो कौन जड़ा बूटी उनको मिली ऐसी खाई, उनने उनको मालूम चल गया इसी तरीका से। दरअसल जो चीज लोगों की समझ और कल्पना से परे होती है वो लोगों को उतना ही अपनी ओर खींचती है। जो बातें लोगों को हैरत में डालती हैं, लोग उन्हें उतना ही जानने की कोशिश करते हैं। घनसू के अनोखे कर्तव्य भी इसी तरह लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं। प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है। ऐसा ही एक मामला महोबा जनपद के कुलपाड़ तहसील अंतर्गत एक छोटे से गांव सुगरा से आया है। मेरे साथ इस समय मौजूद हैं, एक कला का बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करते हैं। वो बताएंगे किस तरीके से कला का प्रदर्शन करते हैं, क्या करते हैं, हम उनसे बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा घनसू नाम है। अच्छा, ये बताइए आप जो काम करते हैं किस तरीके का काम करते हैं और कैसे करते हैं? जो आग खाना, खपरा खाना जो मकानों में छवे रहते हैं, और गुम्मा भी, और कांच,
जो राड होते हैं ये कांच, ये भी खाता हूँ, बियर की बोतल भी खा जाता हूँ। और आग ही शरीर में, पूरी शरीर में आग ही भी जलाता हूँ। और आग पे निंगना, पैरों से आग पे निंगना, जलती हुई आग कम से कम 2-2.5 फुट जलती हुई ऊंची आग पे मैं आग पे फिर निंग जाता हूँ। तो आपको कहीं नुकसान नहीं होता? नहीं सर, कुछ नहीं, कुछ नहीं। मैं ये तो 10 साल से करीब करीब कर रहा हूँ, मुझे कोई नुकसान नहीं आती है। ये आपने किसी से सीखा है या फिर ऐसे ही? नहीं, मैंने अपने दिमाग से बनाया है जी। और मेरे पास छोटे में, मैं छोटी से ये जड़ा बूटियों से मुझे बहुत लगाव था। तो भोलेनाथ की ऐसी कृपा है कि जिस चीज पे मैं हाथ रख देता हूँ वो चीज सिद्ध हो जाती है। ये बताइए, आप अपने परिवार का भरण पोषण कैसे करते हैं? भरण पोषण मैं करता हूँ, जैसे ईंटा पाटता हूँ, बाहर चला जाता हूँ भट्टों पे, ईंटा पाटता हूँ। और 3-4 बीघा जगह है, उसमें गेहूँ गेहूँ बे लेता हूँ। अगर जानवरों से बच गया, जानवर बहुत छूटे हैं, जानवरों से बच गया तो वो हो जाता है, नहीं तरफ जानवर को मारे कुछ नहीं बच पाता है। इतने ढोर बड़े हैं कि सरकार इसका इंतजाम नहीं कर रहा कुछ, तो मजबूरी बस आपको जाना पड़ता है, जाने पड़ता है, इसी वजह से जाने पड़ता है। जमीनें ऐसी खाली छोड़ के भाग जाती है, क्या करें। तो ये थे मेरे साथ महोबा बुंदेलखंड में एक कला के बहुत ही धनी व्यक्ति, जो बता रहे थे किस तरीके से इतनी कला होने के बाद भी अपने घर का परिवार का भरण पोषण करने के लिए उन्हें महोबा के बाहर जाना पड़ता है। अपनी इस रिपोर्ट को दिखाने के पीछे हमारा मकसद बस घनसों की कला और प्रतिभा को आप तक पहुंचाना था। यहाँ ये ध्यान रखना भी बेहद जरूरी है कि कांच ईंट और आग खाना ना तो आम इंसान के बस में है और ना ही इंसान की सेहत के हित में। लिहाजा हमारा आपसे निवेदन है कि इसे घर पर आजमाने की कोशिश बिल्कुल ना करें। बहरहाल घनसू की अनोखी खूबियों ने आज उन्हें चर्चा का विषय बना दिया है। बस अब घनसू को तलाश है एक ऐसे मंच की कि जिसके जरिए वो अपनी इन अनोखी खूबियों को सब तक पहुंचा पाए और बता पाए कि हाँ, मैं आम इंसान से थोड़ा अलग हूँ और मेरे अंदर वो खासियतें हैं जो कई मायनों में अद्भुत, अविश्वसनीय और अकल्पनीय है। वाहिद अहमद, R9 TV, महोबा।